सिनुआ प्रांत के जिनझाइंगू में आए भूकंप से पहले ही यहां खून के स्टॉक को 8 अगस्त को स्थानांतरित किया गया था। अब इन्हें तिब्बत ट्रांसफर किया जा रहा है। एक अखबार की माने तो भारत को अब अपने रवैये का नतीजा भुगतना पड़ेगा। अखबार ने दावा किया है कि चीनी सेना के पास जो हथियार है वह भारत के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। एक अखबार ने लिखा है कि भारत ने पिछले दिनों अमेरिका और रूस से कई तरह से हथियार खरीदे हों, लेकिन चीन के हथियारों की तुलना में वे काफ़ी हल्के हैं। लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी में चीन न सिर्फ भारत के आगे है बल्कि दुनिया में सबसे बेहतर है। आपको बता दें कि बुधवार को दोनों देशों की सेनाओं के बीच लद्दाख के पेंगोंग झील के पास झड़प हुई थी। कहा गया था कि मंगलवार सुबह पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर दोनों सेनाओं के बीच टकराव हुआ था। घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद चीनी सैनिक पत्थरबाजी करने लगे, जिसका जवाब भारत की ओर से भी दिया गया था। और भी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।